भारतीय रेल देश भर में अपने नेटवर्क का विस्तार कर रही है और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल में रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं को शुरू किया गया है, साथ ही नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी गई है। देश का गर्व और मेक इन इंडिया की मिसाल वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर अब पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की सातवीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलने वाली ये ट्रेन 561 किलोमीटर की दूरी महज 7.5 घंटे में तय करेगी। इसी अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है। रास्ते में ये बोलपुर, मालदा टाउन और बारसोई स्टेशनों पर रुकेगी एवं यात्रियों को कम समय में तीव्र, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव कराएगी। So this train has bio vacuum toilets, it has CCTV cameras and fully automated doors. It is also very friendly for handicapped people and this train has the covered system which prevents collision from any other train. No doubt that in the era of our honorable prime minister, the Indian Railways has seen significant development. नए भारत के नए स्टेशन के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया गया है। विशाल रूप प्लाजा, कैफेटेरिया, लिफ्ट, एस्केलेटर और पोडियम पार्किंग जैसी विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इस स्टेशन के पुनर्निर्माण पर लगभग 337.42 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस स्टेशन का डिजाइन अगले 45 वर्षों की जरूरतों को पूरा करने वाला होगा। कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन पर नव निर्मित जोका तारातला मेट्रो स्ट्रेच को भी शुरू किया गया है। 2535 करोड़ रुपए की लागत से बने 6.5 किलोमीटर लंबे इस स्ट्रेच पर 6 स्टेशन होंगे। ये स्ट्रेच कोलकाता के दक्षिण उपनगरीय क्षेत्र को बिजनेस हब तक सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा और इससे व्यस्ततम डायमंड हार्बर रोड पर आवाजाही भी सुगम होगी। अब जोका से तारा तलक की दूरी महज 15 मिनट में तय की जा सकेगी। पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क के विस्तार को भी गति दी गई है। 565 करोड़ रुपए की लागत से बनी 25.41 किलोमीटर लंबी डानकुनी चंदनपुर चौथी रेल लाइन स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली से लैस है। इस लाइन पर 2 बड़े पुल और 34 छोटे पुल हैं। इस रेल लाइन से हावड़ा में उपनगरीय ट्रेनों के परिचालन में तेजी आएगी। पश्चिम बंगाल में बोईची शक्तिगढ़ तीसरी लाइन का विस्तार भी पूरा हो चुका है। 405 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 25.83 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के बनने से हावड़ा वर्धमान मुख्य एवं कॉर्ड लाइन की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। राज्य में निम्नतता न्यू फरक्का डबल लाइन को भी शुरू किया गया है। 25.42 किलोमीटर लंबी और 254 करोड़ की लागत से निर्मित इस डबल लाइन पर 2 बड़े पुल और 47 छोटे पुल बनाए गए हैं। इससे हावड़ा से उत्तर बंगाल जाने वाली ट्रेनों की गति बढ़ेगी। राज्य में आमबाड़ी, फालाकाटा, न्यू मैनागुड़ी, गुमानीहाट रेल लाइन को भी शुरू किया गया है। लगभग 88 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के निर्माण में 1461 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस रेल लाइन पर कुल 11 स्टेशन हैं, जो राज्य के कूच बिहार व जलपाईगुड़ी जिलों तक आसान कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएंगे। रेलवे की इन परियोजनाओं से यात्रियों का सफर सुगम होगा, कनेक्टिविटी बढ़ने से ट्रेनों का तीव्र संचालन संभव होगा,
क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा और पश्चिम बंगाल में एक नए युग की शुरुआत होगी।